हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रीना रियल लाइफ में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और ठंड को एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे ठंड को कोई एंजॉय तो नहीं कर सकता है, पर क्या करें, ठंड को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है अभी इस टाइम पे, कुहासे वाला ठंड है। और सुबह सुबह काफ़ी देर तक, मतलब 8-8:30 बजे तक कुहासा बना रहता है इधर, तो इस वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ी हुई है। और मॉर्निंग वॉक वगैरह अभी बंद है क्योंकि काफ़ी मतलब अंधेरा रहता है तो जाने में अच्छा नहीं लगता है, और ठंड भी है। ठंड की वजह से भी थोड़ा सा हम लोग मतलब इस काम को टाल देते हैं। तो इधर मैंने चाय चढ़ा दी है और मैं आटा गूंथने लगी हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है आज। वैसे मैं रात में ही ये सोच के रखती हूँ, प्लान करके, कि कल क्या बनाना है सुबह में, क्योंकि सुबह में उठ के सोचना और बनाना ये सब मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना जल्दी जल्दी, और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। और ठंड में मतलब बिस्तर से उठना ही काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कल रात में कुछ सोचा नहीं था और कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कुछ मतलब रात में करके रखूं और सुबह, ताकि मुझे थोड़ा जल्दी हो जाए, तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं था। इस वजह से मैंने जो समझ में आया, जैसे मैंने उठ के सबसे पहले चाय चढ़ा दी, पानी वगैरह मार के इधर उधर, मतलब जिधर जिधर मैं पानी मारती हूँ, और पोछ पाछ के मैंने चाय चढ़ा दी है। और गोलू को स्कूल जाना है, साथ ही साथ गोलू के पापा भी निकल जाएंगे, तो दोनों की तैयारी मुझे करनी है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हड़बड़ी है इस टाइम पे मुझे। तो मैंने आटा लगा लिया है और काफ़ी अच्छी तरह से आटा लगा लिया मैंने, और चाय भी उधर मेरी बन चुकी है। चाय को मैंने कम आंच पे कर दिया है और आटा लगाना शुरू किया, तो आटा लग गया है और उधर चाय को भी मैं देख रही हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चाय अभी बन गई है और मैं अभी रेडी कर रही हूँ रोटी बनाने की। चाय बन जाए, रोटी बन जाए, सब्जी ना भी बने तो भी चलेगा। कल रात की कुछ सब्जी बची हुई है हमारे यहाँ, तो उस सब्जी के साथ गोलू के पापा चाय ले लेंगे और उनका हो जाएगा। और गोलू तो खैर रोटी सुबह सुबह खाता नहीं है, दूध ही पी लेगा तो उसके लिए काफ़ी है। तो रोटी मेरी सीख गई है, और दो रोटी जैसे ही सीखी मैंने चाय भी दे दिया साथ में, और गोलू के पापा बैठे हुए हैं इस टाइम पे सब्जी पकड़ के, जल्दी रोटी लेके आऊँ और मैं रोटी खाऊंगा। तो बस अभी 7 बज रहे हैं, 7:05 या 10 हो रहे होंगे, और गोलू को भी स्कूल जाना है। तो गोलू के टिफिन में मैंने कुछ आज स्नैक्स वगैरह डाल दिया है, जो जंक फूड बोलते हैं जिसको, वो मैंने डाल दिया है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डालना पड़ता है क्योंकि नहीं हो पाता है रोज रोज घर से सुबह सुबह मतलब इतना बना के देना। तो ये चाय और रोटी हो गई है, एक रोटी जल भी गई, फिर भी चल जाएगा अभी। और रोटी को सॉरी गोलू को दूध मैंने दे दिया है पहले ही, वो मैं सूट नहीं कर पाई, और दो रोटी बना रही हूँ, शायद और दो रोटी ले लें, और ना लेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो सुबह सुबह निकले तो कुछ घर का खा के निकलना ही ठीक रहता है, क्योंकि बाहर का खाना रोज़ रोज का सही नहीं होता, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर से कुछ खा के ही निकल जाएं। तो और दो रोटी मैं सेक रही हूँ, पर वो नहीं लिए और दो रोटी, और मैंने दो रोटी सेक के उसके बाद ये काम स्टॉप कर दिया, फिर मैं दूसरे काम में लग गई।
तो अभी इस टाइम पे गोलू के पापा जा चुके हैं और गोलू भी जा चुका है और मैं नाश्ते का काम निपटा के ये काम पे लग गई, क्योंकि ये काम मैंने काफी दिनों से टाला हुआ था। तो आज मैं फाइनली ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये जो दीवार पे पपड़ी सी है ये थोड़ा थोड़ा बार बार निकल रहा था, तो मैं आज सोच रही हूँ कि इसको पूरी तरह से निकाल दूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा निकलने से अच्छा है कि इसको एक बार में ये मैं सारी जितनी भी पपड़ी सी निकल रही है सबको निकाल दूँ। उसके बाद इस पर कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ, तो जितना भी निकल पाया मुझसे, मैंने एक बड़ा सा चाकू ले लिया है और उससे खुरच खुरच के निकाल रही हूँ सारा कुछ। और ये काम मैं काफी दिनों से करने की कोशिश से मैंने चाह रही थी पर नहीं हो रहा था। और यहाँ की दीवार मतलब दीवार तो ठीक है, पर ये जो पेंट है ये बिल्कुल से निकल रहा था, तो यहाँ पे मैं पेंट दोबारा नहीं करूँगी और यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह लगाने की सोच रही हूँ। तो देखते हैं कितना हो पाता है। जितना भी हो पाया आज मैंने ये सबको मतलब साफ करने की कोशिश की है। और अभी मकर संक्रांति आने वाला है, तो साफ सफाई का काम थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हाथों हाथ मैं सोच रही हूँ इसकी भी सफाई कर दूँ। और यहाँ पे अगर मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, तो जैसे स्टिकर वगैरह या फिर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाती हूँ, तो खाना जो मैं बनाती हूँ उसके तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो इससे दीवार काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पे कुछ टिकता नहीं है। तो फाइनली आज कोशिश कर रही हूँ इस जगह को ठीक करने की, देखते हैं कितना हो पाता है। और यहाँ पे मैंने पेपर व्हाइट कलर का जो पेपर था वो मैंने लगा दिया था, तो अब मैं यहाँ पे स्टिकर लगाने की सोच रही हूँ। तो ये जो है काफी मतलब उड़ रहा था बहुत ज्यादा और अच्छा भी नहीं लग रहा था देखने में, तो बस कोशिश है एक इसको ठीक करने की। और ये पेपर मैंने आधा उखाड़ दिया है, आधा यहीं पे लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं उखाड़ रही हूँ और करती जा रही हूँ, एक साथ सारा काम फैलाने की कोशिश में नहीं कर रही हूँ, वरना फैल जाएगा, उसके बाद इसको समेटने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जितना मैं साफ कर पाऊंगी उतना ही आज करूंगी और बाकी का काम फिर कभी के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि इसी तरह से मैं करती हूँ। और ये इस साइड की जो दीवार है यहाँ से पपड़ी बिल्कुल नहीं जम रही है, मतलब पपड़ी बिल्कुल नहीं निकल रही है। और जिस साइड पे मैं खाना बनाती हूँ, इंडक्शन जिस साइड पे है उस साइड पे काफ़ी मतलब पपड़ी निकलती है। और इंडक्शन पे मैंने पानी गर्म किया हुआ है, पानी चढ़ाया हुआ है, तो इंडक्शन भी अभी चल रहा है। और यहाँ से देखिए इतना सारा मतलब कूड़ा निकला है, तो ये सबको मैं साफ कर दूंगी और उसके बाद आज का मतलब सोच रही हूँ इतना ही करूँगी, क्योंकि फिर मुझे नहाना है और दोपहर का खाना भी बनाना है, तो उसके लिए देर हो जाएगी और ठंड भी काफ़ी है इधर, तो घर में रहा भी नहीं जाता है काफ़ी मतलब ठंड में, लगता है कि थोड़ा सा धूप में चली जाऊँ। तो बस आज का काम इतना ही है और ये सबको मैंने साफ कर दिया और यहाँ का काम मैंने ख़त्म किया। और यहाँ से बिल्कुल भी पपड़ी और नहीं निकल रही है, जितना निकलना था वो निकल गया है। तो आई होप अब मैं इस जगह को ठीक से मतलब अरेंज कर पाऊँ, उम्मीद करती हूँ। तो देखते हैं कब तक होता है और आप लोग ब्लॉग पर बने रहिए, मतलब आगे का ब्लॉग भी आप लोग जरूर देखिए मेरा, ताकि आपको पता चल सके कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। और आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।